मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। नवी मुंबई पुलिस ने एपीएमसी की हद में वाहन चोरी करने वाले दो व्यक्तियों को गिरफ्तार कर उनके पास से कुल 21 अलग अलग रिक्शा व होंडा एक्टिवा मोटरसाइकिल जब्त किया है। एपीएमसी पुलिस स्टेशन में कई दिनों से वाहन चोरी की घटना तेजी से बढ़ती जा रही थी और जिसके बाद एपीएमसी के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक मानिक नलावड़े ने एक टीम गठित कर वाहन चोरी की घटना स्थल से सीसीटीवी फुटेज के आधार पर वाहन चुराने वाले आरोपियों की पहचान कर इन्हें गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों के खिलाफ पुलिस स्टेशन में चोरी के मामले दर्ज हैं। एपीएमसी परिसर में चोरी किए गए 10 रिक्शा व 11 होंडा एक्टिवा मोटरसाइकिल बरामद कर लिया गया है। वाहन चुराने वाले दोनों आरोपी आलम रफीक खान और सलमान शेख को गिरफ्तार कर लिया गया है। इनके पास से 14,70,000 रुपये का मुद्देमाल भी पुलिस ने जब्त किया है। हालांकि इस पूरे मामले में डीसीपी विवेक भंसारे ने क्या जानकारी दी है आपको सुना दें। हमारे एपीएमसी पुलिस स्टेशन ने मोटर व्हीकल थेफ्ट में एक बहुत अच्छी कामगिरी की है। एपीआई वसीम शेख और एपीआई नीलेश शेवाड़े ये दोनों ने भी गोवंडी में जाके आलम रफीक खान और सलमान इकबाल शेख ये दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। हमारा एक गुना 9/2023 इसका तपास करते हुए एक ऑटो रिक्शा चोरी का ये गुना था। ये गुने का तपास करते हुए और 20 गुनों का तपास और डिटेक्शन ये लोगों ने किया है। इसमें 11 ऑटो रिक्शा और 10 मोटरसाइकिल होंडा एक्टिव कंपनी की हम लोगों ने बरामद की है। इसमें से 20 गुने की डिटेक्शन हुआ है। उसमें कोपर करने के 3, एपीएमसी के 8, थाना कलवा के 2 और मुंबई से भी 8 से 9 गुने हम लोगों ने डिटेक्ट किए हैं। ये सब मुद्देमाल मिला है। ये जो आरोपी है ये दोनों आरोपियों के ऊपर इसके पहले भी एक के ऊपर 4 और एक के ऊपर 2 ऐसे गुने दाखिल है। और भी कुछ गुने इन्होंने किए जाने की हमें आशंका है। हम लोग उसके बारे में भी और तपास कर रहे हैं। अभी तक 14,70,000 रुपये का मुद्देमाल हम लोगों ने बरामद किया है और 7 तारीख को ही आरोपियों को अरेस्ट किया था। आज तक उनकी पुलिस कस्टडी है और भी पुलिस कस्टडी हम लोग मांग के और अधिक तपास कर रहे हैं।